अभी सर मैं जो प्रोजेक्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कोलसेत रोड पे है, जस्ट अपोजिट टू एयरफोर्स स्टेशन, किया मोटर्स के बाजू में। ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट का नाम है रुनवाल लैंड सेंड। 25 एकर्स का लैंड पार्सल है ये, 25 एकड़ का, जिसमें सिर्फ 7 टावर आने वाले हैं। ये देखिए, रुनवाल थाने में कम से कम 25 सालों से ज़्यादा इसका कंस्ट्रक्शन ये है, मतलब एक 40 इयर्स प्लस, 4 डिकेट्स आप बोल सकते हो। ये एंट्रेंस है यहाँ का और ये सामने कंस्ट्रक्शन, इसमें टोटल 7 टावर आएंगे। 25 एकड़ में 7 टावर, आप समझ रहे हैं, बहुत ही कम डेंसिटी, मतलब ज़्यादातर 25 एकड़ में 25 टावर लोग लाते हैं, लेकिन ये एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है। तो ये देखिए, कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और जो टावर लॉन्च हुआ है ना वो इधर बीच में आएगा, ब्रिज करके टावर का नाम है, यहाँ पे पहले सेल्स ऑफिस हुआ करता था। ये है टावर का स्पेस, अगर आप मेन रोड से भी देखेंगे तो ये काफ़ी नज़दीक है, और जितने टावर्स बनेंगे वो सबके बीच में है, तो थोड़ा प्रीमियम भी है ये। इसका जो फेसिंग देखेंगे आप तो क्रीक साइड भी पूरा ओपन है और रोड साइड भी पूरा ओपन है। ये साइड गार्डन आएगा तो ये साइड भी ओपन है, क्योंकि ये सामने किया मोटर्स और एयरफोर्स स्टेशन आ जाएगा। इसके कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 2+2, 1+1, सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएंगे, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 1 BHK स्टार्टिंग विथ 55 to 60 lakhs, 2 BHK आपका 90 to 95 lakhs तक आ जाएगा। 1+1 अगर जोड़ी देखते हैं तो वो भी आप पकड़ लीजिए 110 के आसपास, और रूम साइजेस और काफ़ी कुछ। लोकेशन तो आपने देख लिया, लोकेशन काफ़ी अच्छा है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये रहा है सेल्स ऑफिस, और इसका बिल्डिंग देखिए, टावर्स के, दोनों टावर के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये गैप आप देखेंगे तो ये बीच का जो पार्ट है ना, ये सब एमिनिटीज़ में आने वाला है। ये लोकेशन हो गया, अभी मैं आपको शो फ्लैट दिखाता हूँ, सैम्पल फ्लैट से थोड़ा और ज़्यादा आइडिया आ जाए। आ जाइए सर, अभी आपको सर मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ये 1 BHK है, 55 to 60 lakhs के बजट का। आइए मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाता हूँ। ये आपका हो गया हॉल डाइनिंग, ये डाइनिंग स्पेस, इंटर करते ही आपका ये किचन आ गया, डबल प्लेटफॉर्म, पीछे आपका ये जो स्पेस दिया है ये यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद कॉमन वॉशरूम आपका, थोड़ा सा फॉर स्पेस, ये आ गया आपका वार्डरोब स्पेस, और बेड का साइज देख लीजिए, काफ़ी स्पेस है बेड रखने के बाद भी, और ये आपका मास्टर टॉयलेट, सब सारे स्टैंडर्ड फिटिंग के साथ में है। फ्लैट कैसा लगा सर आपको? अच्छा लगा, ओके। आइए मैं आपको 2 BHK दिखाता हूँ। आइए सर मैं आपको 2 BHK दिखाता हूँ, जो 90 to 95 lakhs के बजट में बोल रहा था वो ये फ्लैट है। इंटर करते हैं आपका डबल प्लेटफॉर्म किचन, और वो जो दिख रहा है डोर सामने, वो ड्राई स्पेस आ जाएगा आपका। ये डाइनिंग स्पेस, ये आपका हॉल, और बेस्ट थिंग इसमें है आपको जो ये देखिए, फुल लेंथ आपका बालकनी भी आ जाएगा। चेयर वगैरह डाल के रखे आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा स्पेस है ये, राइट। आइए, ये है आपका फर्स्ट बेडरूम, ये आप किड्स बेडरूम बोल सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है इसमें, बट इसमें आपका वार्डरोब स्पेस अगर देखेंगे तो रख करके भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें।
कॉमन वॉशरूम स्टैंडर्ड फिटिंग के साथ में। और ये देखिए आपका मास्टर बेड, काफ़ी स्पेसियस। ये वार्ड्रॉप देखिए आपका, वार्ड्रॉप लगाने के बाद भी इतना सारा स्पेस बचा है, आपको नहीं लगता काफ़ी स्पेसियस है? जी बिल्कुल। और ये है आपका मास्टर वॉशरूम। आपके बजट में 2 BHK ये फ्लैट कैसा लगा? फ्लैट तो काफ़ी देखा फिलहाल, लेकिन जो बजट में इतना बेहतरीन फ्लैट अभी तक दिखा नहीं। मतलब काम का लग रहा है बिल्कुल। अभी सर जो मैं फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये 2+1 का जोड़ी अपार्टमेंट है, मतलब 2 BHK और 1 BHK दोनों को कंबाइन किया है। 1,25,00,000 से ज़्यादा का बजट जिनका है, मुझे मालूम है आपको बजट थोड़ा अगर एक्सटेंड करेंगे तो हो सकता है, पर देख लीजिए आप आए हैं तो ये इसके लिए अलग से नहीं आना पड़ेगा। 1,25,00,000 से ज़्यादा का बजट है तो ये फ्लैट देखने लायक है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप इंटर करेंगे, इंटर करते ही आप देखिए लिविंग डाइनिंग का स्पेस काफ़ी स्पेसियस है। और ये डोर के पीछे का एक स्पेस आपको मिलता है, सूर्य वगैरह या ऐसा कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो 1 BHK का किचन है वो एक स्टडी रूम बना दिया। ये आपका कॉमन वॉशरूम की जगह ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट ये दिखाया है। ये मास्टर बेड आपका 1 बेड वाला, इसमें सब में सबसे बढ़िया ये है कि सब सारे फ्रेंच विंडोज आएंगे, हाफ फिक्स रहेगा हाफ ओपन रहेगा, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे व्यू वगैरह एंजॉय करने के लिए। सबसे बेस्ट पार्ट इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रनिंग बालकनी, काफी बड़ा स्पेसियस लंबा व्यू, यहाँ से आप पूरा क्रीक व्यू एंजॉय कर सकते हैं अगर हायर फ्लोर पे घर लिया, जैसे कि आपने देख लिया बालकनी। अभी मैं आपको किचन दिखाता हूँ। ये है आपका डबल प्लेटफॉर्म किचन विथ ड्राई बालकनी। और एक स्पेस इसमें थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट के लिए अलग से है, डाइनिंग भी बोल सकते हो आप, डबल कॉमन बेडरूम। कॉमन वॉशरूम स्टैंडर्ड फिटिंग के साथ में। और ये है आपका मास्टर बेड दूसरा वाला। इसमें वार्डरोब स्पेस 2 फीट का पूरा फुल साइज में अलग से दिया है, उसके बाद भी काफी स्पेस बचा है। ये पूरा फुल 2+1 BHK कैसा लगा आपको? ओके। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल फुल डिटेल चाहिए और आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपको कुलसेत रोड पे देखना चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट firstsquarefeet.in या फिर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम आपको पूरा डिटेल देंगे, प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, आपको लगता है काम का है तो ही साइट विजिट कीजिए। और हाँ, firstsquarefeet.in को फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।